हाय गाइस, मैं हूं अंशुमन एंड स्वागत है आप सभी का स्टूडियो में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं मिथ पैट एंड साथ में मिस्टर बीट्स के बारे में। तो भाई क्या इन दोनों का एक बहुत बड़ा कॉलेब वीडियो आने वाला है। तो बेसिकली कल के दिन मिथ पैट अपने सेकंड चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं और लिखते हैं मिस्टर बीट्स स्पोक टू मी इन हिंदी एंड भाई मिस्टर बीट्स उस क्लिप में भाई लिटरली मिथ पैट से एक रिक्वेस्ट कर रहे थे। देखो आप लोग, यूट्यूब चालू हुआ तब से मुझे कभी चांस नहीं मिला डबिंग करने का, लेकिन फिर मुझे आया ये वीडियो। Casa Hell, Mitt Patpai, Mr. Beast here, and I've seen some of your reactions to my videos, and I was thinking, what if instead of reacting to my videos, you actually dubbed one of my videos? That's right, I want you to be the guest dub voice of me in one of my upcoming videos. I think it'd be super cool, and I'd just love to see how people react. Suna? क्या बोला वो? मैं पिछले 4 महीने से मिस्टर बीस्ट के वीडियोस पे रिएक्ट कर रहा हूँ लिटरली, एंड मैं उसके वीडियोस हिंदी में देखता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार अगले वीडियो में मैं आवाज देने वाला हूँ। क्या हो तो भाई यार वो वीडियो के एक लेटर पार्ट में भाई साथ में बोलते हैं कि हमको उनके साथ कॉल वगैरह करना है। उसके बाद जो मिस्टर बीट्स हैं भाई वो कमेंट करते हुए कुछ लिखते हैं, लेट्स डू इट। एंड बाकी इस पे आपका क्या रिएक्शन है कमेंट्स कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो बात करने वाले हैं एक बहुत ज्यादा वायरल वीडियो के बारे में। तो बेसिकली यार कोई बंदा है जो कि अफ्रीका से ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया है इंडिया में, और भाई यार जो वहाँ की वो नर्स है भाई यार वो उससे लिटरली एक बहुत यार गंदी लैंग्वेज में और बहुत ज्यादा घटिया बात करता है। एंड अभी के टाइम पे यार वीडियो काफी वायरल हो रही है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। But I don't like Africa. No, Africa good. You should like Africa. Africa good. If you see Africa dead leg, you like it. Forget the color, forget the complexion. You like what we are carrying. If I remove my clothes, you love Africans. Africa very good. India no good. Oh, how about India is no good? No, India. No, India, okay. India good for treatment, but India no good on bed. If you come to bed now, I show you how strong Africa is. Do you know what I'm carrying on my waist? Africa, very good. Night, you come, I show you what Africa means. I know Africa is your country, so love her, okay? Because night, my country is India, so good. No, night, you come, I show you what Africa is made of. Africa, very good. We have 3 legs. India, just 2 legs. Africa, 3 legs. You come, I show you, you forget your name, you forget your age, you forget your family, only me, you remember me, everything you give me, you wash clothes, you see me, you bath, you see me, you sleep, you dream, you see me, only me you see everywhere you go. Tonight you come, I show you what Africa have. Sunita, Susu. एंड सारे लोग भाई उस क्लिप को देखने के बाद काफी गुस्सा है और भाई काफी खतरनाक खतरनाक तरीके से कमेंट कर रहे हैं। तो भाई एक बंदा ट्वीट करता हुआ कुछ लिखता है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दिस इज ऑफ अ क्लियर केस मैडनेस, मैन शुड बी ऑफ अरेस्ट, हो प्लीज अरेस्ट हिम। एडल्ट्स ऑफ अ हाइड यूजर रक्सिन नर्स एंड इंडियाज ऑफ एडल्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड या। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो बात करने वाले हैं द UK07 राइडर के बारे में, यानी कि अनुराग दोबाल के बारे में। तो बेसिकली भाई अनुराग का कोई फैंस है जो कि 100 किलोमीटर भाई साइकिल चला के आया है एंड आज के अपने यार वो व्लॉग में बताए हैं, एंड साथ में उनकी एक बहुत बड़ी हेल्प करे हैं भाई उनकी कुछ रिलेटेड गाड़ी वगैरह से एंड साथ में कैमरा वगैरह से। तो भाई अपने व्लॉग में क्या कुछ बोले हैं इसका रिगार्डिंग देखा रहे आप लोग एक छोटे से क्लिप। बहुत गरीब मेरे को एक साइकिल खरीद के दो और मेरा कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है, थोड़ा साफ हेल्प करेंगे तो आपको साइकिल और GoPro चल जाएगा राइट? हाँ GoPro से शूट हो जाएगा। हाँ सतीश जी भाई का नंबर ले लो और फिर कनेक्ट कर लो, ठीक है? साइकिल और GoPro मेरे नहीं छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ऑल द बेस्ट, ऐसे ही राइड करते रहो, जॉय कॉम, नाम रोशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बात करने वाले हैं राजा डीसी के बारे में। तो लोग बता रहे हैं कि इनकी हो चुकी है शादी एंड साथ में काफी लोग बोल रहे हैं कि रील वगैरह देख के कि भाई जो उनकी शादी है भाई वो लिटरली फेक है, क्योंकि भाई उसके अंदर यार सिंदूर भर रहे हैं भाई वो पिंक कलर का है एंड बेसिकली सब लोग बोल रहे हैं कि भाई वो रेड कलर का होता है एंड काफी लोग यार उनको क्रिटिसाइज वगैरह कर रहे हैं। तो उसके बारे में राजा डीसी अपने एक रील में बताया है कि यार वो सही है फिर गलत। देखो आप लोग, तो आप लोगों से एक चीज शेयर करना है, हमने जो शादी करी है ना वो नकली शादी है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि राजा लोग ने जो शादी किया है वो नकली शादी है। नहीं, जितना बेटा बेटी देख रहे हैं असली नकली नहीं है, असली सिंदूर है। बिहार में ही सिंदूर से शादी होता है, अगर इससे शादी नहीं होता तो हम यूपी में सिंदूर का सिंगोरा के बांध करके गए, क्यों ले जाते? तो दोस्तों आप लोगों को कहना यही चाहेंगे कि ये शादी नकली नहीं है, पूरे परिवार के साथ में हम लोगों ने कई सारे वीडियोस बनाए होंगे क्योंकि हम यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते, तो ऐसा मत सोचिएगा। हमारी शादी जो है असली है और ये सिंदूर जो है बिहारी कल्चर में जो है गुलाबी सिंदूर को लगाया जाता है। तो काफी सारे अदर स्टेट के भैया लोग दीदी लोग है वो लोग नहीं जान पाते, तो उनको लगता है कि राजा ब्लॉग भैया ने जो है शादी नकली की। जो बिहार से
लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि जो है बाहरी भैया लोग है सब लोग जो है जान सके कि इस सिंदूर का महत्व क्या होता है। ये रंग नहीं है, ये सिंदूर है इस कलर का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में, बात करने वाले हैं काई सिनेट के बारे में। तो बेसिकली भाई का कोई फैन है एंड भाई वो लिटिल एन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता है और भाई एक बहुत बड़े लाइव स्ट्रीमर है। तो आप लोग यार जो बैकग्राउंड पे बास्केटबॉल की फोटो देख रहे हो भाई, जो उसकी बॉल होती है भाई वो काफी महंगी होती है एंड भाई जो काई सिनेट है उनके भाई लिटिल एन की बॉलों के काफी बहुत बड़े फैन है। तो भाई यार कोई काई सिनेट का भाई कोई फैंस है भाई उनको यार एक लाइव स्ट्रीम में देता है भाई उनकी बॉल्स और भाई वो काफी शॉकिंग रिएक्शन आता है। देखो आप लोग Kobe in Taiwan. Wait, what? Yeah, he gave me a ball. Kobe gave you this? Yeah. In Taiwan? Yeah, in 2006. Hey, my name. Hey, bro. My name's Kai T. This is an HBO. So. Oh. Yo. Keep Ri. It. Ri. Yeah. Ri. Yeah. Oh. Oh. Keep it, bro. Really? Yeah. Oh my God. Sure, bro. Oh my God. Appreciate. Yeah. Appreciate it, bro. Appreciate it, bro. Thank you so much. And another gift for you. Another gift? Yeah. A black and Max Wing. Oh my gosh! Wait, how did you get it? No shot. Go on, my. He's in Drake. Whoa. Oh my gosh! No way, dude. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो बात करने वाले हैं इसराइल के बहुत बड़े टिकटॉकर के बारे में। तो बेसिकली आपको पता है कि भाई इसराइल और साथ में यूक्रेन और रशिया की चल रही है एक बहुत खतरनाक फैन वॉर ने भाई एक बहुत बड़ी वॉर सॉरी यार एंड भाई लिटरल यार उसके बीच में जो भाई ये बंदा है भाई इसराइल का एक टिकटॉकर है एंड साथ में भाई एक लाइव स्ट्रीम करा था और भाई इसकी लाइव स्ट्रीम में आके एक बहुत बड़ा बॉम्ब फूट जाता है भाई लिटरल यार काफी शॉकिंग है। देखो आप लोग شو معلم قصفه اسمع اسمع لا 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 لحظه ميشيل صلي على النبي روح 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 صلي طوبلك لا 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم और हाँ गाइस यार आपको इसराइल सीन पे क्या रिएक्शन है आप लोग यार कमेंट करके बताओ। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो नेक्स्ट अपडेट में भाई हम लोग बात करने वाले हैं उस वायरल वीडियो के बारे में जो कि भाई कल बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। तो बेसिकली मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि भाई जो यार ये डोली चाय वाला एंड साथ में बिल गेट्स ने कोलैब करा है चाय वगैरह में एंड उसके बाद भाई जो कि मुनव्वर फारूकी हैं भाई उस पर ट्वीट करते हुए कुछ लिखते हैं। तो मुनव्वर फारूकी लिखते हैं बिल गेट्स को रील बनाने के लिए हेयर कलर की जरूरत नहीं है एंड उसके बाद लिखते हैं आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ ओदेसी म्यूजिक फैक्ट्री सिंग्स बिल गेट्स फॉर ऑफ माई न्यू म्यूजिक वीडियो। बेसिकली यार वो न्यू म्यूजिक वीडियो करना चाहते हैं बिल गेट्स के ऊपर। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट से बताओ। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो बात करने वाले हैं नीरज गोयल एंड साथ में जैक पॉल के बारे में। तो बेसिकली इन दोनों की काफी बड़ी लड़ाई होने वाली है क्योंकि जो नीरज गोयल थे भाई वो पहुंच चुके हैं जैक पॉल से लड़ाई करने के लिए उनकी कंट्री वगैरह में एंड साथ में भाई काफी लोग इस रील को देखने के बाद बोल रहे हैं कि भाई ये पूरी स्क्रिप्टेड रील है एंड आई थिंक भाई इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है क्योंकि भाई जो यार नीरज गोयल थे वो अपने रील्स में बताए हैं जो कि उनकी भी रिसेंट रील आई है कि भाई मैंने पूरा सीन रख लिया है और मैं इसके साथ लड़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से करना चाहता हूं एंड काफी लोग अभी भी इनको स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं। पहले आप लोग यार वो रील देखो फिर आप लोग बताओ ये स्क्रिप्टेड है या फिर नहीं, आप कमेंट्स में बताना। देखो रील तो क्या आपको पता है अमेरिका में मेरी लड़ाई होगी थी मेरी और जैक पॉल की लड़ाई के बाद मैंने एक रील डाली थी और उसमें मैंने कहा था कि मेरे को इसके साथ सड़क पे नहीं बॉक्सिंग रिंग में लड़ना है। जैक पॉल और मेरी फाइट के बारे में मुझे मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस के सीईओ नकीसा से बात करनी है। फिर नकीसा मेरी उस रील पे कमेंट करता है और इस फाइट को लेकर के हमारी दो तीन मीटिंग होती है। नकीसा मुझे बहुत अच्छा आदमी लगा, उसने वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी फाइट कराई हुई है, उनमें से एक माइक टायसन वर्सेस रॉय जोन्स की फाइट का वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। हमारी मीटिंग के बाद नकीसा ने एमवीपी के पेज पे ये वीडियो डाली।
that we can figure out a way for MVP and Naraj to collaborate and build up to the biggest event that India has ever seen. See Jake Paul and Naraj Goyat fight respectfully. इस मीटिंग में मुझे प्रपोजल आया कि मैं उनका पार्टनर बनूं और उनके साथ पार्टनरशिप में ये फाइट इंडिया में करवाऊं। तो दोस्तों साथ बनाए रखो, मेरी और जेक पॉल की फाइट हम करवाएंगे और इंडिया में ही करवाएंगे। तो दोस्तों कमेंट ठोको, तुम कितने एक्साइटेड हो इस फाइट ने इंडिया में लाइव देखने का। राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि हर्ष बेनीवाल के का ये एक बहुत खतरनाक वेब सीरीज भाई, जिसका नाम है दारुवी डेड 4, एंड भाई उसने हिट कर लिए हैं 10 मिलियन व्यूज़। तो भाई उनकी तरफ से मेरे साइड से भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और भाई जो हर्ष बेनीवाल है भाई, उस पर भी उनका रिएक्शन आता है भाई इंस्टा स्टोरी पर अपलोड करते हुए, एंड साथ में उसके बाद इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए एक रील शेयर करते हैं एंड उसके ऊपर लिखते हैं 10 मिलियन व्यूज़ हो गए। एंड बाकी यार इस वाली म्यूजिक पे कॉपीराइटेड यार म्यूजिक था, मैंने इसको म्यूट कर दिया। देखो आप लोग इस छोटे से क्लिप को। एंड बस आज के लिए मेरे को इतना ही था। एंड अगर आपको भी यार कोई न्यूज़ वगैरह मिलते हैं तो आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो मेरे इंस्टा आईडी एंड फॉलो भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, सब्सक्राइब।